जितने गलत काम अंग्रेजों ने किए थे, मुगलों ने किए थे, उन सारे कामों को ठीक करने की ड्यूटी सरकार की थी। भैया स्वतंत्र हो गए यही तो मतलब होता है, हम स्वतंत्र हो गए, संविधान लागू हुआ, अब किसी कोई विदेशी गुलामी नहीं है। तो तरीका यह था कि सरकार ऐसी नीतियां बनाते कि हमारी भारतीय शिक्षा परंपरा मजबूत हो, भारतीय चिकित्सा परंपरा मजबूत हो, भारतीय सभ्यता मजबूत हो। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे भारत में आज भी सड़क मोहल्ले गलियां चल रही है जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का बलात्कार किया। ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां शहर चल रहे हैं जिन्होंने हजारों लोगों को मरवाया। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, उन स्थानों को आप ढूंढना शुरू करिए, आपको मिलेंगे नहीं। मैंने एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कहा साहब जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम से मिलते हैं, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो भी उसी नाम से मिलते हैं, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में है, रामायण में है, वो तो मिल ही नहीं रहे। और मिल नहीं रहे तो हमारे बच्चों को कहा जाता है ये रामायण तो एक काल्पनिक घटना है, ये महाभारत एक काल्पनिक घटना, और हमारे बच्चे धीरे धीरे मानना भी शुरू कर लेते। हमारे 51 शक्तिपीठ है, देवी जी के 51 शक्तिपीठ, उसमें जो पहला शक्तिपीठ है जहां माता का मुकुट गिरा था उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। वहां एक मुर्शीद खान नाम का वहसी दरिंदा बलात्कारी गया, उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को गिराया और वहां कीर्तेश्वरी का नाम बदल के मुर्शिदाबाद रख दिया। आपको यह जान के आश्चर्य होगा आज भी बंगाल में वो मुर्शिदाबाद ही है, उसका नाम नहीं बदला। आप ये बताओ हम आजाद हैं या गुलाम हैं? जोर से बोलिए जरा, काहे की स्वतंत्रता? हमारा वेद कह रहा है 51 शक्तिपीठ, हमारे पुराण कह रहे हैं 51 शक्तिपीठ, उसमें कीर्तेश्वरी लिखा हुआ है। कीर्तेश्वरी को मैं ढूंढ रहा हूं, भारत में मिलता ही नहीं है। एक हमारा दूसरा शक्तिपीठ है उत्तर प्रदेश में विंध्याचल, मिर्जा खान नाम का वहसी दरिंदा गया, विंध्याचल के मंदिर को तोड़ा और उस स्थान को कह दिया मिर्जापुर, आज तक वो मिर्जापुर बना हुआ है। हमारे भगवान परशुराम के पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि का जहां आश्रम था उसको बाद में कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, वहां उसने मंदिर को तोड़ा और जमदग्निपुरम को जौनपुर बना के चला गया, आज तक वो जौनपुर चल रहा है। जहां पे माता सीता पैदा हुई थी, सीता जी का जन्म स्थान, उसको कहते हैं विदेह। मुजफ्फर खान नाम का लुटेरा गया, उस स्थान पे लूटमार किया, तोड़फोड़ किया, हत्या किया, बलात्कार किया और उस स्थान को मुजफ्फरपुर बना के चला गया, आज भी चल रहा है। महाभारत में आपको याद होगा भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, ये तो सबने देखा होगा कि भाई हमको 5 गांव दे दो हम युद्ध नहीं करेंगे, ये शर्त कंडीशन रखी थी भगवान कृष्ण ने। 5 गांव, एक गांव था इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ आप ढूंढिए पूरे भारत में नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो दिल्ली हो गया। दूसरा गांव था तिलप्रस्थ, अब तिलप्रस्थ आप पूरे भारत में ढूंढिए नहीं मिलेगा, वो फरीदाबाद हो गया, फरीद खान नाम का लुटेरा गया उसको फरीदाबाद बना दिया। तीसरा गांव था सोनप्रस्थ, वो सोनीपत हो गया। पांचवा गांव था पानप्रस्थ, वो पानीपत हो गया। एक गांव था व्याघ्रप्रस्थ, वो बागपत हो गया। महाभारत में एक और गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान नाम का लुटेरा गया उसको गाजियाबाद बना के चला गया। और दुर्भाग्य देखिए ऐसे विषयों पे संसद विधानसभा में कभी चर्चा ही नहीं हुई।
जहां पे द्रौपदी पैदा हुई, द्रौपदी का एक नाम है पांचाली। हमारी परंपरा देखिए, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था, कौशल देश की कौशल राज्य कुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा, गंधार की राजकुमारी गांधारी, कैकेय की राजकुमारी कैकेयी, ऐसे पांचाल की राजकुमारी पांचाली। वहां पे फरुखा नाम का लुटेरा गया, उसको फरुखाबाद बना दिया। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनका वर्णन हमारे वेद में है या पुराण में है या और भी ऐतिहासिक प्रमुख स्थल है। उदाहरण के लिए मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजात शत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को, वो अहमद शाह नाम का लुटेरा, वो वहसी दरिंदा बलात्कारी जिसने हमारे पूर्वजों को मारा, हमारी माताओं के साथ बलात्कार करवाया, उसके नाम पे अहमदाबाद चल रहा है। ये गर्व की बात है, शर्म की बात है? क्या सोचा होगा हमारे पूर्वजों ने जब ये वहसी दरिंदे हमला करते होंगे? कल्पना करिए आज की, आज हमारे गांव पे हमला हो जाए, कुछ वहसी दरिंदे हमला कर दें और हम कुछ न कर पाए, तो पता है रात में एक बात सोचेंगे, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे छोटे हैं, जिस दिन हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे उस दिन इन वहसी दरिंदों का हिसाब किताब करेंगे। ऐसा हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? हमारे पूर्वज जब इस समय परेशान रहे होंगे, जब इन वहसी दरिंदों के आक्रमण से परेशान रहे होंगे, तो कल्पना किया होगा। तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमारे बच्चे बड़े होंगे, हमारे बच्चे आजाद कराएंगे, हमारे बच्चे इनका नामो निशान मिटाएंगे। नामो निशान मिटाया क्या उन वहसी दरिंदों का? और वो क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि हम सब या तो दल गुलाम है, या तो पार्टियों के गुलाम है, या तो जाति की अफीम खा के बैठे हुए, हमने कभी आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कर्णावती रहे या अहमदाबाद रहे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी गाड़ी अच्छी हो जाए, हमारा बंगला अच्छा हो जाए, हमारा फार्म हाउस अच्छा बन जाए, हमारा धंधा व्यापार अच्छा चलता रहे, ये कर्णावती हो जाए, अहमदाबाद हो जाए, बाबरपुर हो जाए, तुगलक रोड हो जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमसे अच्छा तो चीन वाले थे, हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ 1949 में। जानते हैं उसने पहला काम क्या किया चीन ने? चीन जापान का गुलाम था। 1950 में आजाद, 1949 में आजाद हुआ, 1 साल के अंदर उसने पूरे चीन से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न किसी जापानी के नाम पे मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे गली, न किसी जापानी के नाम पे कस्बा। और तो और, उसने अपने इतिहास से भी जापानियों को मिटा दिया। उसने अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि हम कभी जापान के गुलाम थे। और हम आज भी बड़े फक्र से बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी को पढ़ा भी रहे हैं, बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी के नाम पे सड़कों पे रह रहे हैं, बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी के कस्बों में रह रहे हैं। हमसे अच्छे तो ये थे चाइनीज, वो छोटे छोटे हैं तो क्या हुआ, उनकी सोच देखिए, हम 6-6 फीट के लंबे होके हमारी सोच कितनी छोटी है। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होसंग शाह ने नर्मदा को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धारासी को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोगलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमारे पास थी बिहार में नालंदा में। एक बख्तियार खान नाम का लुटेरा वहसी दरिंदा आया, हत्या किया, बलात्कार किया और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए उसने लाइब्रेरी में आग लगवा दिया।
जिससे हमारे वेद पुराण हमारे ऋषियों मुनियों के जितने रिसर्च थे सब खत्म हो जाए। और उसके नाम पे आज भी बिहार में बख्तियारपुर चल रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है उस बख्तियारपुर के सांसदों और विधायकों की बेशर्मी पे, वो कैसे बाहर जाके कहते हैं कि मैं बख्तियारपुर का रहने वाला हूं, उनकी आत्मा कचोटती नहीं है क्या? करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूब नगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे 1000 के आसपास कस्बे हैं, शहर हैं, गांव हैं, मोहल्ले हैं जो विदेशी वहसी दरिंदों के नाम पे चल रहे हैं। ये बात रिलीजन की नहीं है, ये बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, ये बात भारत और विदेशी वहसी दरिंदों की है। और कोई अगर उनके साथ खड़ा है तो उसकी आस्था पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई विदेशी वहसी दरिंदों का समर्थन कर रहा है तो मान लीजिए वो यहां आस्तीन का सांप बैठा हुआ है और आस्तीन के सांप को जितने जल्दी खत्म कर दे उतना अच्छा होता है। मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, मैंने इन ऐसे मैंने सारी लिस्ट दिया सुप्रीम कोर्ट को। हमने कहा आपने इतने सारे कमीशन बना दिए, एक काम एक कमीशन और बना दीजिए, रीनेमिंग कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। तो हमने कहा भाई ठीक है धन्यवाद, आपने कम से कम एनओसी तो दे दिया। तो कई बार मैं पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में करता हूं सुप्रीम कोर्ट से सरकार को एनओसी दिलाने के लिए। एनओसी समझते हैं ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी पीआईएल पे ये कह रहा हो ये मेरा काम नहीं है ये सरकार का काम है तो सरकार को एनओसी मिल गई कि नहीं? अब सरकार काम करे अपना, अब सरकार के निर्णय को कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो नहीं करेगा ना, और करेगा तो सुप्रीम कोर्ट किस मुंह से उसको एडमिट करेगा जो पहले कह चुका नहीं नहीं हमारा काम नहीं तो सरकार का काम है, सरकार का काम है सरकार करेगी। तो अब हम लोगों को सरकार पे दबाव बनाना है और सरकार भी अपनी है तो दबाव बनाना आसान हुआ कि नहीं? भाई अपनों के ऊपर दबाव थोड़ा आसान होता है ना। करना कैसे है? दो तरीका है। कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं? बहुत, सब लोग यूज करते हैं। अब पूरा हॉल भरा हुआ है, मैं कह रहा हूं फेसबुक पे 5,000 दोस्त बनाइए, क्योंकि फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड बना सकते हैं, और अच्छी अच्छी बातें लिखना शुरू करिए, फैक्ट के साथ लिखना शुरू करिए, आंकड़ों के हिसाब से लिखना शुरू करिए, समस्या लिखिए, उसका मूल कारण लिखिए, अस्थाई समाधान लिखिए। ये जो गुलामी की सोच चल रही है ना दिमाग में, ये गुलामी की सोच तब खत्म होगी जब गुलामी के नाम खत्म होंगे, गुलामी के निशान खत्म होंगे, गुलामी की परंपरा खत्म होगी, गुलामी का रीति रिवाज खत्म होगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म होगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था खत्म होगी, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था खत्म होगी, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था खत्म होगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म होगी। वास्तव में हम स्वतंत्र हो गए लेकिन संप्रभु नहीं हुए। स्वतंत्रता और संप्रभुता में अंतर होता है। स्वतंत्र का मतलब विदेशी चले गए, संप्रभुता का मतलब सारी व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो वास्तव में चीन संप्रभु है, चीन स्वतंत्र भी है संप्रभु भी है। हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन हम संप्रभु अभी तक नहीं हुए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इस विषय को आगे बढ़ाइए। एक जो बार बार सवाल आ रहा है और आपका विषय भी है कि सनातन के प्रति प्रमुख खतरे, एक बहुत बड़ा खतरा है जनसंख्या विस्फोट, एक बहुत बड़ा खतरा है घुसपैठ, एक बहुत बड़ा खतरा है धर्मांतरण, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा है अलगाववादी सोच।
वो सोच, वो लोग जो भारत में तो रहते हैं लेकिन वंदे मातरम कर कहने से डरते हैं, वो सोच जो भारत में तो रहते हैं लेकिन भारत माता को फूल चढ़ाने से डरते हैं, वो सोच जो भारत में तो रहते हैं लेकिन विदेशी भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, वो सोच जो भारत में तो रहते हैं लेकिन विदेशी पहनावा पहनने की कोशिश करते हैं, भारत का पहनावा कम पहनेंगे विदेशी पहनावा ज्यादा पहनेंगे, वो सोच जो भारत में तो रहते हैं लेकिन भारत के त्योहारों से नफरत करते हैं विदेशी त्योहार को प्यार करते हैं, उस सोच को खत्म करना पड़ेगा। हम लोग कभी अपने बच्चों को यह सिखाते हैं क्या कि भगवान राम के अलावा और कोई पूजा के लायक नहीं है? जोर से बताइए, कभी सिखाते हैं क्या? हम कभी अपने बच्चों को सिखाते हैं क्या कि भगवान कृष्ण के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है? कोई भी शंकर जी का भक्त अपने बच्चों को नहीं सिखाता कि शंकर जी के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, कोई विष्णु का भक्त ये नहीं सिखाता। आपने कभी सोचा ये पूरी दुनिया में आतंकवाद फैल क्यों रहा है? वो धर्म के कारण नहीं फैल रहा, रिलीजन के कारण फैल रहा। रिलीजन तोड़ता है, धर्म जोड़ता है। अभी मैंने लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया है धर्म और रिलीजन के ऊपर, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय सबको नोटिस भी हुआ है। हमने कहा है कि पहली बात तो भारत की किताबों में जो शब्द उपयोग किया जाता है धर्म निरपेक्ष, इसको निकालिए, यह बिल्कुल गलत उपयोग किया जा रहा है। जो सरकारी कागजों में, स्कूल में, एडमिशन में, राशन कार्ड में, पासपोर्ट में, बर्थ सर्टिफिकेट में, ड्राइविंग लाइसेंस में फॉर्म भरवाते समय जो धर्म पूछा जा रहा है, इस कालम को निकालिए, क्योंकि यह बिल्कुल गलत है। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होगा, और धर्म एक है, जो एक है उसका ऑप्शन नहीं पूछना चाहिए कि आपका क्या है। अरे जब एक है तो उसका ऑप्शन कैसे हो गया? पंथ अलग अलग होते हैं, उसको पूछिए। इसलिए मैंने सरकार से रिक्वेस्ट किया है और कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि जहां जहां धर्म निरपेक्ष लिखा है उसको पंथ निरपेक्ष पढ़ा जाए, और जहां जहां धर्म पूछा जाता है वहां वहां पंथ पूछा जाए, धर्म पूछना बंद किया जाए।